इंदौर से हैं जोया, स्वागत है आपका। अस्सलाम जी वालेकुम वालेकुम सलाम, सर। वाले बताइए। जी, मेरे 3 सवाल है। एक तो ये कि है ना, मेरे मतलब है ना, मेरी एज है ना 20 है, और मेरे ना लेफ्ट साइड में पसलियों के नीचे पेट में बहुत दर्द होता है और सांस भी फूलने लग जाती है, मतलब हर 10-15 दिन में होता रहता है। और एक ये है कि मेरी दादी मतलब 8-9 महीने से जैतून का सिरका ले रही है, तो वो कितने टाइम तक मतलब ले सकती है? वो मतलब आपके प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा, जी, किस लिए ले रही हैं और वो? वो उनको मतलब है ना, सांस फूलता है, एसिडिटी होती है, नींद नहीं आती ना, तो वो इसलिए ले रही है ब्लड प्रेशर के लिए। जी, ठीक है, फायदा शुरू हो गया उनको बेटा। उनको बहुत फायदा है, वो बहुत खुश है मतलब आपके प्रोडक्ट से। और तीसरा चलिए, मेरा सलाम कही। तीसरा सवाल क्या है? सवाल ये कि उन्होंने मतलब दांत सर्जरी के लिए बोन मोरिंगा मंगाया है, तो उन वो ये पूछ रही थी कि उनको कैसे लेना है मतलब वो बोन मोरिंगा। ठीक है, मेरा सलाम करिए मोहतरमा को, और मेरे लिए दुआ के लिए भी कहें। और ये जब तक चाहे ले सकते हैं, ये एक सुन्नत तरीका है, जो ज़रूरत में तो ले ही सकते हैं, बगैर ज़रूरत के भी ले सकते हैं। तो जितना चाहे आप लें, उनको फ़ायदा तो शुरू हो गया है, अभी लंबे टाइम भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता इससे। और दूसरा सवाल क्या? लेफ्ट में पेट में दर्द होता है, इनकी सांस फूलती है, 20 साल की उम्र है। हाँ, ये रात के समय 3 चम्मच दादी से जैतून का सिरका 3 चम्मच उधार ले लें आप, और पानी मिला के रात के समय पिया करें, आपकी तकलीफ ठीक होना मुमकिन। जी हकीम साहब, इसके साथ ही जैतून का सिरके का इस्तेमाल ये 9 महीने से कर रही थी, तो उसका जवाब हाँ लेती देखिए, रही वो। हाँ, अगर डायबिटीज़ के लिए ले रहे हैं तो इसे हमेशा लेना चाहिए, ताकि डायबिटीज़ आपको नुकसान ना पहुंचा सके। अगर नींद की प्रॉब्लम के लिए लेते हैं, तो नींद आने लगी तो फिर इसे छोड़ सकते हैं। पेट के लिए प्रॉब्लम्स के लिए ले रहे हैं, तो पेट ठीक रहने लगा तो इसे छोड़ सकते हैं। और इसे बगैर ज़रूरत के भी हर आदमी लिया करे, तो बीमारियों से दूर रखने की सलाहियत है इसमें। और मोरिंगा के बारे में आपने पूछा, पूरे दिन में 1 ग्राम गौन मोरिंगा ले सकते हैं, पानी में, दूध में मिलाकर, या नारियल पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो दर्शकों देखिए, गौन मोरिंगा हो, जैतून का सिरका हो, या जितने भी रॉ मटेरियल के बारे में यहाँ पे हकीम साहब आप सभी को बताते हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको इनका इस्तेमाल वैसे ही करना है जैसे हकीम साहब आप सभी को बताते हैं। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हकीम साहब से लाइव बात करना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, नंबर पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। लखनऊ से हैं जेबा, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, सवाल करिए अपना। जी, हमारा सवाल ये है कि जो है हमारा देवर, उसके चोट लगी थी रील के हड्डी पे, रील हाँ, में, तो उसकी पूरी रील गलत करती है, पूरे उम्र क्या है उनकी? गिर उम्र है 25 साल। ठीक है ठीक है। जी, अच्छा देखिए बेटा, ये दर्द जा सकता है इनका, लेकिन समझ लें कि मैं दवा भी बताऊंगा आपको, क्योंकि काफ़ी तकलीफ में है ये, और घरेलू इलाज भी बताऊंगा। घरेलू इलाज में गोंद स्याह एक बेहतर गोंद है, जो काले गोंद के नाम से भी प्रचलित है, मशहूर है। ये 100 ग्राम खरीद लें, और आधा आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद दूध से देना उन्हें, और कुछ भी मेहनत ना करें, वजन ना उठाएं, ज़मीन में ना बैठें, और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें। तो ये 100 ग्राम ख़त्म नहीं हो पाता कि मरीज़ का रोग मुक्त होना मुमकिन है, लेकिन हिदायत पर भी अमल करें। ये असली लेना, नकली बहुत मिलता है, जगह जगह नकली मिलता है, असली ले लीजिए, फ़ायदा मुमकिन है। अगर ये नहीं मिले असली, तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम देने से भी आपके देवर को फायदा होना मुमकिन जी। बिजनौर से हैं सिद्ध गोपाल शर्मा जी, स्वागत है आपका, बताइए। है। मेरे नाम शिव गोपाल है जी, जी और शिव गोपाल है। अच्छा, शिव गोपाल जी, हाँ जी, तकलीफ बताइए।
गले में परेशानी है और मैंने ये टू दिखाया तो उसने कहा कि आप इसकी स्कैन करवाइए, सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन आया कि आपके सिस्ट है और सिस्ट जो है वो सॉलिड है और सिस्ट मेरे पेट में भी है, जो इससे पहले मैंने पेट में तकलीफ है वो पेट में मेरे सिस्ट है, पेट में सिस्ट है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। देखिए आपका मर्ज तो मैंने अंदाजे से समझ लिया है, सिस्ट है आपके। और कभी भी बात करनी हो तो आपके साथ आपका एक माविन यानी मददगार कोई हो ना तो आपके बारे में पूरी तफसील से बात करें तो हम एक बड़ी मदद कर सकते हैं। हमें फ़ोन नहीं मिले तो हमारे डॉक्टर को हेल्पलाइन नंबर पर बात करें। और एक इलाज है, देखिए वो शुरू कर दें, एलोवेरा का सिरका आता है, सिरका एलोवेरा का, ये 3 चम्मच लें और एक गिलास में डालें छोटे चाय के चम्मच, और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा है उसमें डाल दीजिए और पूरा गिलास पानी से भर लीजिए और इसे मिक्स करके रोज़ाना 1 बार पी लिया करें। आपको 2 महीने बाद फिर आप हमें फ़ोन करें कितना फ़ायदा हुआ, हम आपके कॉल का इंतज़ार करेंगे। जी, हरियाणा से हैं सविता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार, आप इंसान से बात करेंगे? जी जय हिंद, बताइए क्या सवाल है? सर मेरी भाभी हैं तो उन्होंने सोनोग्राफी करवाई थी, तो उनको बच्चेदानी का साइज बताया बढ़ गया है और पित्त की थैली में पथरी बताई है। जी अच्छा, देखिए पित्त की थैली में पथरी अगर छोटी हो या छोटी छोटी हो यानी 2-3 mm की तो उनका निकलना मुमकिन है, और अगर बड़ी हैं तो उनके लिए ऑपरेशन ज़रूरी है। तो छोटी हैं तो आप ले सकते हैं 3 चम्मच जैतून का सिरका, 3 चम्मच जैतून का तेल, दोनों को मिक्स करके सुबह 1 खुराक आप लिया करें और 1 हफ्ते तक दें। अगर उस वो छोटी है तो उसका निकलना मुमकिन है, अगर इससे नहीं निकले तो आप समझ लेना कि आपके ऑपरेशन होना ज़रूरी है। और जो साइज़ बढ़ गया है उसके लिए आंवला, जो बच्चेदानी का साइज़ बढ़ गया आंवला और मेथी, आंवला मेथी और गौंद मोरिंगा सफ़ेद और सौंफ, ये 4 चीज़ें खूब बारीक पाउडर बना के 1 चम्मच रोज़ाना पानी से दिया करें, उनको फायदा मुमकिन है। हमारे साथ दिल्ली के शाहदरा से हैं जय भगवान जी, स्वागत है आपका। हाँ जी बताइए। वो मैडम मैंने वो लिया था जी गोंसिया, ठीक है गोंसिया लिया था और मैं उसे खा रहा हूँ, ठीक है सवा महीना हो गया, ठीक है। मेरे जो L4 L5 नस दब रही है ना ये इनमें कोई आराम नहीं लग रहा, घुटनों घुटनों का दर्द तो ठीक हो गया, कम हो गया मतलब, लेकिन इसमें आराम नहीं हो रहा जी। ठीक जी, इसके साथ मैं कुछ और लूं? ठीक है ठीक है। जय भगवान जी, बहुत मुबारक के घुटनों में आराम होने लगा। देखिए घुटनों में भी तकलीफ ये L4 L5 जो आप बता रहे हैं डिस्क में, इसी की वजह से है। तो यहाँ अगर आराम हो रहा है तो वहीं पर रिपेयर हो रही है। वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग तो आप कर ही रहे होंगे और अभी इंतज़ार कर लीजिए, अभी 1.25 महीना हुआ है, जो गोंसिया आपने लिया है वो 5 महीने चलता है, इसने आपके पहले घुटनों की रिपेयर की है और ये सारी मरम्मत आपकी कमर में ही हो रही है। कभी आप थोड़ा और सब्र कर पाएँ तो मुझे उम्मीद है कि इसी से आपको रोग मुक्त होना मुमकिन है। ये बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका।
महेश जी स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरा ये लड़का है गौरव, उसका उसका नाम फट जाती रहती है, पानी पानी जाता ना फट जाती है। उनको जुखाम रहता है? लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, एंटीबायोटिक भी कराया है। नहीं, तकलीफ क्या है उनको? तकलीफ क्या है? सर्दी जुखाम रहती है, बार बार हो जाती है। उनकी उम्र क्या है? 16 साल के करीब है जी। हाँ देखिए, इसका इलाज, मुकम्मल इलाज सिर्फ यूनानी में है। आप कोई भी इलाज कराएंगे, एलोपैथ लेते हैं अक्सर लोग, एक गोली खाई, 1 रुपए की गोली, 5 रुपए की गोली, 5 पैसे की गोली खाओ, एंटी एलर्जी देते हैं तो सूख जाता है 1 हफ्ते के लिए, फिर हो जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर अच्छा हो जाए तो यूनानी इलाज करें, लेकिन 5-6 महीने करना होगा। खट्टी चीज़ें, बाहर की चीज़ें छोड़नी होंगी और धीरे धीरे फ़ायदा होता है, क्योंकि आप जो भी दवा खाते हैं एकदम से फ़ायदा हो जाता है। और आप अगर मुझसे कहने लगे कि इतने दिन हो गए फ़ायदा नहीं हुआ, तो ऐसा ना करें। माजून आर केयर नाम से एक माजून आती है, एक पेस्ट है, एक च्यवनप्राश टाइप का होता है। 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से खिलाएं और 1 चम्मच रात को सोते समय गर्म पानी से, और 5 बार गर्म पानी पिए। खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो बच्चे को फायदा मुमकिन है। अगले कॉलर अंबाला से, यशपाल जी स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी, वैद्य जी से बात करनी थी। जी जी बात कीजिए। नमस्ते वैद्य जी। जी जय हिंद सर, बताइए क्या सवाल है अंबाला वालों। लीवर खट्टी है, एक मेरे पेट में गर्मी है, पेट में जब कुछ पकती नहीं है, क्या उसके लिए मैं दूर का सिरका ले सकता हूँ? जी ये खट्टी है मेरा, काफी लीवर खट्टी है मेरा, लीवर फैटी। हाँ देखिए, एक तो चर्बी छोड़ दीजिए, एनिमल फैट खाना थोड़ा सा खाए और जो आसानी से हजम हो जाए वो खाएं, और जैतून का सिरका पानी में मिला के लिया करें 1 बार या 2 बार। ये लीवर के लिए भी बड़ा तोहफा है, पेट के लिए भी और सेहत के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, दिल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, बहुत सारे मर्ज़ों में ये काम आता है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं इंदौर से, कर्नल वर्मा जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, आदाब जी। कर्नल साहब कैसे आप? खुशामदीद, मैं ठीक हूँ, आप बताएं, सब परिवार में ठीक है? सब आपकी दुआ है, हमारी दुआ करना, हमारी आखिरत सुधर जाए, दुआ के साथ मुंतजिर हैं आपके हम। हाँ देखिए, आप जैसे बुजुर्ग की दुआ मुझे मिल जाए और काश मेरी दुआ आपको लग जाए। मैं कहता बुजुर्ग हूँ, आप मेरे बड़े हमजाद हैं। आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया हमजाद कहकर, क्योंकि मेरे आसपास के लोग भी नहीं जानते कि हमजाद किसे कहते हैं। आपने इतनी बड़ी उपाधि दे दी मुझे कि मैं अक्सर आपके बारे में सोचने लगा। कर्नल वर्मा, आप वाकई बहुत इंसान आदमी हैं, मैं आपको जय हिंद करता हूँ। बताइए क्या सवाल है? कहने को तो दुनिया अपनी है, मगर आप अपने लगे, अपना अपना जैसे कहते हैं ना अपना, वो आप में वो भूभाग देखी मैंने, जिसलिए जो मैं आपको मैं बस मेरा सवाल ये था कि जो जैतून का सिरका जो है खाने में डाल के खा रहे थे, तो बच्चे भी हम निवाला हो जाते तो एक आध लुकमा ले देते, तो वो भी बोलते हमको भी पिलाओ, तो क्या बच्चों को दे सकते हैं? और दूसरी सवाल ये है कि जो गोंद पिया वापस खाने यूज करने वाले जो रहते हैं वो उनके लिए कुछ परहेज तो बताते ही नहीं आप, जैसे कुछ लोग नशा भी करते हैं। देखिए खाने का भी परहेज बताया, पीने का भी परहेज बताया, सारे परहेज तो बताया ना, तो जब तो लोगों को सीख में ध्यान दे, फिर आपसे सिखो शिकायत करते हैं वो लोग। कर्नल साहब, दरअसल हकीकत में यूनानी में परहेज है नहीं, लेकिन लोग बताते हैं,
बस इतना ही परहेज है कि जैसे किसी को नज़ला हुआ तो भाई ठंडी चीज़ें खट्टी चीज़ें ना खाएं, बस इतना ही परहेज बताता हूँ। वरना हिकमत को बदनाम कर रखा है कि इतने परहेज कर देते हैं कि आदमी क्या खाए और क्या नहीं खाए। इससे ज़्यादा तो एलोपैथ में परहेज होते हैं। और जैसे किसी की कमर में दर्द है तो मैं वेस्टर्न टॉयलेट बता देता हूँ कि उसका उपयोग करें। और वाकई हिकमत में परहेज ऐसे नहीं है तो, और बाकी सब चीज़ें कर सकते हैं। देखिए अगर कोई नशा परस्त है तो मेरे कहने से छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मजबूत रिश्ते उनके घर में मौजूद हैं। सबसे बड़ा तो माँ बाप का रिश्ता, अगर उनके कहने से नहीं छोड़ी तो शायद मेरे कहने से नहीं छोड़ सकते। फिर पत्नी का रिश्ता भी बहुत अजीब है, फिर बच्चों का रिश्ता, वो रिश्ते के बाद मेरा नंबर आ सकता है लेकिन उनसे पहले नहीं। जो लोग अपनी माँ के कहने से नहीं छोड़ सकते शायद मेरे कहने से कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं परहेज नहीं बताता, मैं कहता हूँ कि कम लो और दुआ करता हूँ कि भगवान उनकी शराब नोशी ख़त्म करा दे। और बस आप से बात हो जाती है ज़्यादातर, कोई ऐसा वीवर नहीं जो मुझसे इस दर्जा कनेक्ट हो। आप मुझे हमजाद कहा और आप तकरीबन रोज़ ही किसी ना किसी प्रोग्राम में बात कर लेते हैं और मैं आपका बड़ा ममनून और मशकूर हूँ। बिल्कुल हकीम साहब, एक सवाल इनका ये था कि बच्चों को जैतून का सिरका दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, बच्चों को हम निवाला आप करते हैं तो ये अच्छा है। खाने में लीमू इस्तेमाल ना करें, जैतून का सिरका इस्तेमाल करें। आप देखें ये कुदरत का अजीम तोहफा आपके बच्चों को कितना तंदुरुस्त रख सकता है।